Hey guys, welcome back to the channel. और आज के वीडियो में हम देखेंगे iPad Air 4 की अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इम्प्रेशन बाय अ फर्स्ट टाइम एप्पल यूज़र. यस, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कोई एप्पल प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग करते हुए. हाँ, इससे पहले मैंने आईफोन्स यूज़ किए हैं और रिव्यू भी किया है, बट कभी अनबॉक्स नहीं किया है. सो फाइनली इन 2020 आज हम एक एप्पल प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं. एप्पल ने रिसेंटली दो नए आईपैड लॉन्च किए, आईपैड एंड आईपैड एयर. मेरे हिसाब से आईपैड एयर 4 अभी तक का बेस्ट वैल्यू फॉर मनी टैबलेट है इन द मार्केट. मैंने आईपैड के साथ साथ एप्पल पेंसिल 2 भी खरीदा है. तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा जाते हैं एप्पल आईपैड एयर 4 और एप्पल पेंसिल 2 की अनबॉक्सिंग की तरफ. तो ये है 2020 आईपैड एयर 4 का बॉक्स. जैसे मैंने पहले कहा, इससे पहले मैंने कभी एप्पल प्रोडक्ट्स अनबॉक्स नहीं किए, तो इसलिए ये अनबॉक्सिंग का मेरा पहला एक्सपीरियंस है. वैसे तो पैकेजिंग मुझे कुछ इतनी खास अलग नहीं लग रही है. जो सबसे पहले मिनिमल स्टाइल पैकेजिंग, जो ये स्टाइल ऑफ पैकेजिंग है, वो एप्पल ने लाया था, बट आजकल सब लोग कॉपी करते हैं. मेरा वाला जो आईपैड है वो है वाईफाई ओनली ऑप्शन विद 256 GB ऑफ स्टोरेज. मेरे हिसाब से 256 GB ऑफ स्टोरेज की ज़रूरत तो नहीं है, बट एप्पल आईपैड 4 सिर्फ 256 GB और 64 GB के ऑप्शन में आता है. तो 64 GB तो मेरे हिसाब से बहुत कम हो जाएगा. तो अनबॉक्स करने पर हमें सबसे पहले मिलता है आईपैड, जिसे एक प्लास्टिक शीट में कवर किया है फॉर द एनवायरनमेंट. तो अभी ये कवर निकालते हैं. आईपैड के अलावा बॉक्स में क्या है वो देखते हैं. आईपैड के साथ मिलता है हमें कुछ पेपर वर्क. ये पेपर वर्क पढ़ना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता है कि मैं इसे पढ़ूंगा, तो इसे साइड में रख देता हूँ. और मिलता है हमें इस बॉक्स के अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एप्पल स्टिकर. मुझे लगता है सिर्फ ये स्टिकर ही 1000 का होगा. और बॉक्स में है 2-साइड टाइप सी केबल और चार्जर. यस, हमारा नसीब अच्छा है कि चार्जर मिल गया, नहीं तो जो लेटेस्ट आईफोन 12 प्रो है और 12 है, उनको तो चार्जर भी नहीं मिल रहा है. सिंस आईपैड एयर 4 टाइप सी से चार्ज होता है, तो मेरे हिसाब से इसका चार्जिंग भी कंपैरेटिवली फास्ट होगा प्रीवियस जनरेशन ऑफ आईपैड से. अभी करते हैं एप्पल पेंसिल 2 की अनबॉक्सिंग. आईपैड एयर 4 के साथ एप्पल पेंसिल 2nd जनरेशन कंपैटिबल है, तो ये थोड़ी अच्छी बात है कि अलग से चार्ज नहीं करना होगा. तो चलो अभी इसे अनबॉक्स करते हैं. एप्पल पेंसिल अनबॉक्स करने पर हमें सिर्फ दो चीज़ मिलता है, एक है पेपर वर्क और दूसरा है एप्पल पेंसिल. गाइस, एप्पल ने पेंसिल बनाते हुए सबसे बड़ी कंजूसी की है, इसमें उन्होंने एप्पल स्टिकर्स नहीं डाले. तो यहाँ पे इन्होंने बचत किया है, एनवायरनमेंट को बचाया है. अगर 10,000 का पेंसिल है तो कम से कम 2 स्टिकर डालने में इनका क्या जाता था पता नहीं मुझे. और ये मेरा कैमरा एप्पल पेंसिल को बहुत अच्छी तरह से फोकस करते हुए. तो अभी हम आईपैड का सेटअप करते हैं. ये आईपैड पहली बार बूट होते हुए. आईपैड की स्पेशलिटी है कि ये सिर्फ इंग्लिश में हेलो नहीं बोलता, ये स्पेनिश में भी बोलता है. सेटअप्स के स्टेप्स इतने कुछ डिफरेंट नहीं है, हमें बस लैंग्वेज कंट्री सेलेक्ट करना है और थोड़े बहुत डिटेल्स. मैं अभी मैन्युअली सेटअप करने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले मेरे पास कोई आईपैड नहीं था और डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए. एक नया फीचर जो आईपैड एयर में है और प्रो में नहीं है, वो है टच सेंसर का. तो टच आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं हम लोग आईपैड एयर 4 में, और जहाँ की प्रो में हम लोग फेस आईडी से लॉगिन करते हैं. इस बार एप्पल ने जो टच सेंसर है वो पावर बटन में ऐड किया, तो अलग से कोई आपको ये दिखेगा नहीं, बटन दिखेगा नहीं टच सेंसर के लिए, बट पावर बटन में ही इन्होंने टच सेंसर ऐड किया है. आईपैड आपको आपकी उंगली रखने के लिए कहेगा, आप वो टच आईडी का एनिमेशन देख सकते हो सेटअप करते वक्त.
एक फिंगर रजिस्टर करने के बाद एप्पल आपको आईपैड टिल्ट करके दूसरा फिंगर रजिस्टर करने बोलेगा। तो ये दूसरा फिंगर बेसिकली दूसरे हाथ का, अगर आप राइट हैंड से एक फिंगर रजिस्टर किए हो वर्टिकल पे, तो हॉरिजॉन्टल पे लेफ्ट हैंड का फिंगर रजिस्टर करना, ताकि आप जब हॉरिजॉन्टली अगर आईपैड यूज़ करोगे तो तब आप उससे अनलॉक कर पाओगे। इसके बाद फाइनली एप्पल आईडी से लॉग इन करके एंड द सेटअप इज़ ऑल डन। एप्पल पेंसिल को सेटअप करना काफ़ी इजी है। मेक श्योर करो आपका ब्लूटूथ ऑन हो, और फिर बस पेंसिल को आईपैड के राइट साइड के मैग्नेट के सामने रख दो और ऑटोमेटिकली वो अटैच हो जाएगा और सेटअप करना चालू हो जाएगा। आप देख सकते हो कि मेरे ख़राब राइटिंग को भी सॉफ्टवेयर बड़े आराम से डिटेक्ट कर पा रहा है। एप्पल पेंसिल का सबसे सही फीचर है कि वो सर्च बॉक्स या गूगल सर्च पर भी आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो पेंसिल से, और वो डिटेक्ट करके उसे सर्च बॉक्स पे डाल देगा और ऑटोमेटिकली सर्च करेगा। तो अब हम बात करते हैं iPad Air 4 की फीचर्स के बारे में। iPad Air 4 में है लेटेस्ट A14 चिप। ये सेम चिप है जो iPhone 12 में भी है। ये चिप में 4 कोर्स है, जो कंपैरेटिवली कम है iPad Pro से, और इसमें है 10.9 इंच लिक्विड रेटिना डिस्प्ले विद 2360x1640 रेजोल्यूशन, टच आईडी सेंसर जो पावर बटन में है, 12 मेगापिक्सल शूटर विद एन f1.8 अपर्चर एंड 7 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। iPad Air 4 में iPad Pro की तरह मैग्नेटिक कनेक्टर्स भी है, जिसकी वजह से हम लोग स्मार्ट डिवाइसेस जैसे कि स्मार्ट कीबोर्ड और अलग एक्सेसरीज भी यूज़ कर सकते हैं। और iPad Air 4 की बैटरी लाइफ अराउंड जो एप्पल क्लेम करती है वो है 10 आवर्स। ये है कुछ फीचर्स iPad Air 4 के। अगले वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे सब फीचर्स के बारे में और इसके रिव्यू के बारे में। मैंने इससे पहले बहुत सारे अलग अलग एंड्रॉयड टैबलेट्स यूज़ किए थे, बट आईपैड कभी यूज़ नहीं किया था। तो ये मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था आईपैड के साथ, और ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस ही बहुत सही था। मैंने स्टाइलस वाले फ़ोन्स पहले भी यूज़ किए थे, जैसे कि सैमसंग नोट, बट जो एप्पल पेंसिल का जो एक्सपीरियंस है दैट इज़ टू अ होल न्यू लेवल। मैंने अभी तक ये एक्सटेंसिवली यूज़ तो नहीं किया है, तो इसलिए मैं पूरा रिव्यू तो दे नहीं सकता, बट येस, एप्पल हैज़ इट्स चार्म। मेरे हिसाब से टैबलेट के निश में आईपैड आर द लीडर्स करंटली। एप्पल अपने फ्लॉलेस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन के लिए एक्सपर्ट है, और उनके प्रोडक्ट्स में यह दिखता है। आपको ये एक्सपीरियंस कोई एंड्रॉयड डिवाइस में नहीं मिलेगा। तो मेरे कुछ फर्स्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे थे कि जो iPad Air 4 का जो डिस्प्ले है वो है 60Hz का, और इससे पहले मैंने OnePlus 7 Pro जो मेरा डेली ड्राइवर है वो यूज़ करता हूँ, तो उसका डिस्प्ले 90Hz का है। तो मुझे डिस्प्ले का फ्रीक्वेंसी का जो फ़र्क है वो समझ में आ रहा था, और जो लैग भी मुझे थोड़ा दिख रहा था क्योंकि मैंने ऑलरेडी 90Hz का डिस्प्ले यूज़ किया है। पर अगर आप कोई दूसरे स्मार्टफोन या दूसरे डिवाइस से आ रहे हो जिसका फ्रीक्वेंसी 60 से कम है या 60 है, तो आपको कुछ इतना फ़र्क समझेगा नहीं। और मेरा दूसरा जो ऑब्जर्वेशन था वो था टच सेंसर का। टच सेंसर यूज़ करने को हमें बटन एक पर्टिकुलर पीरियड तक दबाना पड़ता है, और ज़्यादा दबा दिया तो सीरी दीदी आ जाती है, और कम दबाया तो अनलॉक नहीं होता। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इससे भी हम यूज टू हो जाते हैं, और हमें समझ में आता है कि कितना प्रेस करना चाहिए। तो ये एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और फर्स्ट टाइम आईपैड यूज़ करने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। आईपैड ओएस एक मैक ओएस और iOS का फ्यूजन लगता है। इसे हम कुछ हद तक लैपटॉप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और एप्पल पेंसिल इस एक्सपीरियंस को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। अगर डिस्प्ले 90Hz या 120Hz का होता तो पेंसिल यूज़ करने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता, पर फिर भी इसमें इतना कुछ समझ में नहीं आता।
अगर आप आईपैड एयर ले रहे हो तो एप्पल पेंसिल भी ज़रूर ले, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले अपडेट्स में एप्पल सिंस अभी पेंसिल इंटीग्रल पार्ट बन चुका है एप्पल आईपैड का, तो आने वाले अपडेट में पेंसिल का बहुत बड़ा रोल होगा। तो आईपैड एयर 4 के अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊँगा कि मैंने कैसे इंडिया में सबसे सस्ते प्राइस में आईपैड ख़रीदा और आपको कौन सा आईपैड ख़रीदना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक दे देना और सब्सक्राइब भी करना अगर आपको आगे आने वाले वीडियो के बारे में जानना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या।